सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये खड़ी है इनकी गाड़ी। सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है कि आज हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए आशीष की न्यू कार की डिलीवरी, जो कि मतलब बहुत टाइम से उसको इंतज़ार था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है शोरूम, तो यहाँ से चलते हैं, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा, तो बस आपसे डायरेक्ट चल के वहीं मिलते हैं एंड दिखाते हैं आशीष की एक्साइटमेंट एंड कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी न्यू कार, है ना। और जैसे कि अपने टाइटल में थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग कौन सी कार ले रहे हैं, तो चलो चलते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं पूरी बढ़िया से डिलीवरी कार की। सो मैं यहाँ से अकेला ही जाऊँगा बाइक से, बिकॉज आशीष को कुछ काम था डॉक्यूमेंट का, तो वो वहीं शोरूम पे पहुँच चुका है। सो चलो आपसे डायरेक्ट अभी मिलते हैं शोरूम पे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं MG के शोरूम, मोरिस गैराज। यहाँ से लेनी है हमें अपनी कार की डिलीवरी। चलो अब चलते हैं शोरूम के अंदर और कार की डिलीवरी लेते हैं और आपको कार दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ खड़ी है कार MG की, और MG की कौन सी कार है अभी जब इसका खुलासा होगा उठेगा तो ही आप लोगों को पता चलेगा। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ये खड़ी है इनकी गाड़ी और सो एक्साइटेड, और सेरेमनी होने जा रही है फाइनली। एक्साइटेड अभी यहाँ मेरे और दिवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करते हुए तो अभी कॉफ़ी भी यहाँ कॉफ़ी मिली है और मेरे और दिवान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं इसको किसी भी ब्लॉग में डालता नहीं रहा भाई। ऐसा गलत बात है, आप लोग अगर फॉलो करते हो आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ इसको, प्रूफ दिखाता हूँ इसको। बाकी कमेंट में करके बताना कैसी लगी आपको MG की एस्टर। बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है और मज़े आ गए। दोस्त की कार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस कार को ढूंढने में, काफ़ी ज़्यादा लगभग खून पसीने की मेहनत। चलो कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं और बाकी अभी यहाँ से थोड़ी देर में कार निकाली जाएगी। करिए ये बताओ कितने की पड़ी है? वही 13 लाख। हाँ सारी मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करवा के ऑन रोड हम लोग ने ना सारी इसकी पेमेंट 31 जनवरी से पहले, 31 दिसंबर के लिए मिर्जा ने भाई बहुत मेहनत की है, बहुत हम लोग एक मतलब 15-20 दिनों से सारे शोरूम देख लिए हमने, मतलब इस बंदे ने इतना सपोर्ट किया है कार लेने, मतलब कि भाई दोस्ती में अगर ये नहीं करता, दोस्ती में ये नहीं किया मतलब इतना हेल्प नहीं करता तो मतलब फाइनल में ये MG पे नहीं आ पाता। मतलब हम लोग एग्जाम्स चल रहे थे सेमेस्टर्स, हम लोगों ने सेमेस्टर्स के पेपर हैं बीच बीच में पेपर देके आते थे फिर चले जाते थे शोरूम देखने, मतलब कि हमारे फ्लैटमेट जो है बाकी दोस्त ऐसा नहीं यार खाली देख रहा है मम्मी पापा देखते रहो ऐसा नहीं, पढ़ते थे हम लोग, लेकिन साथ साथ में ये काम भी करते थे। मतलब एक तो ऐसे टाइम भी सारा माइंड में आया कार लेने का, सेमेस्टर्स भी चल रहे थे उस टाइम में, हमें एक अच्छी कार मतलब जो हमारा बजट था वो पहले 8-10 लाख रुपए था, अब उस बजट में कार देखनी थी, फिर घर वालों से बात हुई थोड़ा बजट बढ़ा, फिर 12 तक आया बजट, फिर 12-13 तक आया, फिर उसके बाद से अब हमें उस सेगमेंट में अच्छी कार देखनी जिसमें फ़ीचर्स भी सारे हो, सेफ्टी क्वालिटी भी सब अच्छी, हर चीज़ मतलब ओवरऑल पहली कार है तो मुझे सारी चीज़ें चाहिए थी। तो एट लास्ट मैं स्टार्टिंग पे भी आया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं MG आया था, फिर उसके बाद से जो मैं मुझे जो स्टाइल वेरियंट चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, उसके बाद से मैं बहुत घूमा बाकी शोरूम में गया, टाटा गया, टोयोटा गया, टोयोटा में एक कार फाइनल भी हो गई थी ग्लेंजा, उसका मतलब ऑलमोस्ट सब डन हो गया था। अभी लोगों ने लास्ट अभी डिलीवरी से मना किया, अभी इसकी डिलीवरी ले रहे थे ना तो अभी एक कार वाले का और कॉल आ रहा है, एक और कार वाले का कॉल आ रहा है। मतलब यार बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हाँ भाई पहली कार थी, कोई भी देखता है इतना तो चलता है ऑब्वियसली, ये कंफ्यूजन हो रहा था, फाइनल सब सेलेक्ट हो गया, बाकी काफी सही रहा। हो रही है भाई दोस्ती में इतना नहीं किया तो क्या किया, पता आज रैंडम डिलीवरी होगी, आज मेरा कार लेने का कोई मूड नहीं था, आज प्लान था ही नहीं, आज शोरूम वाले बोले कि नहीं आज आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कुछ इश्यूज हैं इनके यहाँ पे शोरूम में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ज्यादा देर कार ये लोग रख नहीं सकते क्योंकि स्क्रैच वगैरह आने, वरना मैं भाई अच्छे से आया होता यार, अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हीरो तुम भगवान चल के। अरे चलो सही है, अभी निकलेंगे यहाँ से, कार निकाली जाएगी फिर देखते हैं, अभी मंदिर जाएंगे ना इसके बाद, इसके बाद मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे उसके बाद चलो। सो ये है कार की चाबी फाइनली, और ओ भाई गजब गजब। सो आप पहले बार कदम रखते हुए गृह प्रवेश बैठो। Never loving all of my days.
सो दोस्तों फाइनली कार की डिलीवरी हो चुकी है और अब हम सब मिलकर बैठकर इस कार के फीचर समझ रहे थे, तो अब लेकर चलते हैं इसको मंदिर। हम लोग इसको लेकर चलते हैं, फाइनली एक गाड़ी अब हम लोग की निकल रही है। ओ भाई कितनी सही लग रही है भाई, पहली गाड़ी काफी ज्यादा सही लुक आ रहा है। अभी कहाँ चल रहे हम लोग? अभी जा रहे हैं हम लोग हनुमान सेतु पूजा करने। चलो, और ये दिवांश कार चला रहा है इस वक्त, और ये मैं बैठा हूँ पीछे। अभी हम लोग आए हैं दिवांश के घर पे, ये है दिवांश का घर। चलो भाई अब पूजा हो गई, अब चलते हैं अंदर। सो पूजा भी हो चुकी है और अभी हम लोग दिवांश के घर पे गए थे, तो दिवांश की दादी ने पूजा करी और अब हम जा रहे हैं मंदिर पे। सो अभी हम लोग आए हैं यहाँ हनुमान मंदिर और यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं अभी, और यहाँ खड़ी है अपनी MG एस्टर। अभी हम लोग रुके हैं गाड़ी में अपनी कार की पहली फ्यूलिंग कराने के लिए, यहाँ पे बीबीडी के पास ही। 3 रुपये महंगा है, 99.68। सो गाइस फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं अपनी न्यू कार और अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के केक। और ये रहे भाई, हो गए तुम्हारे बाल सेट? जी भाई। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आपको पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस।